वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान करे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, चीज़ी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। उसके लिए मैं पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। 4 अदद मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पे पोटैटो यूज़ कर रही हूँ। इनको पहले मैंने बॉयल कर लिया अच्छे से और इनका छिलका उतार लिया है। आधी बंद गोभी का फूल, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 6 अदद ब्रेड के पीसेस, आप जो ब्रेड चाहें, ब्राउन ब्रेड चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। आधी प्याली चीज़ की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये मोज़रेला चीज़ है। उसके अलावा मेयोनीज़ यूज़ होगी इसमें, तकरीबन 3 टेबलस्पून। 4 से 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप, आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा हरी मिर्च यहाँ पे 3 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। स्पाइसेस जो हमें इसमें चाहिए, उसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें वरना ना करें। 1 टीस्पून नमक, अपने हस्बे ज़रूरत, आपको जितना मुनासिब लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। पोटैटो का मिक्सचर बनाने से पहले सबसे पहले हम बंद गोभी में मेयोनीज वगैरह ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसके अंदर केचप ऐड करेंगे। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ें कम लगें तो आप और चीज़ें ऐड कर लें, ये बाद में हम मुनासिब देख लेंगे। केचप और मेयोनीज डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, ये मिक्स हो गया, इसे हम साइड पे कर देंगे। अब हम पोटैटो का मिक्सचर रेडी करेंगे। सबसे पहले हम पोटैटो को मैश कर लेंगे अच्छे से। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा बेस्ट मैश हो जाते हैं ये। पोटैटोस को हमने अच्छे से मैश कर लिए, इसके अंदर हम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज के साथ ही स्पाइसेस, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च पाउडर और साथ नमक। फिर इसे मिक्सअप कर लेंगे। आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं काली मिर्च पाउडर की जगह। इसके अलावा और जो वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे और चीज़ को भी इसके अंदर अच्छे से मैश कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया, अब हम ब्रेड रेडी करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड का एक पीस लेंगे और उस पर बंद गोभी जो हमने तैयार की थी मेयोनीज और केचप के साथ उस पर ऐड कर देंगे। पूरे ब्रेड पे हम अच्छे से फैला देंगे इसे। एक ब्रेड हमारी रेडी है, अभी हम इसे साइड पे रख देंगे और इसी तरह दूसरी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। 2 ब्रेड पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम दूसरा ब्रेड पीस उठाएंगे, उसके ऊपर सबसे पहले हम केचप लगाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आप चिली सॉस यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल टमाटो केचप यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से केचप लगाने के बाद अब हम उसके ऊपर मिक्सचर अप्लाई करेंगे। ये हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह लग जाएगा। मिक्सचर हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, ये हम साइड पर रख देंगे और इसी तरह हम दूसरा ब्रेड पीस भी रेडी कर लेंगे। दूसरे ब्रेड पीस पे भी मैंने अच्छे से मिक्सचर अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे जो हमने पहले ब्रेड पीस पे लगाया था उसके ऊपर रख देंगे इजीली, और इसी तरह दूसरे ब्रेड पीस को भी रख देंगे। बाकी के पीसेस भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। एक प्लेट में मैंने ऑयल निकाल लिया है, अब ब्रश की मदद से हम सैंडविच के ऊपर वाले साइड पे ऑयलिंग कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी ही करनी है। और इस तरह हम इस पे भी कर लेंगे।
टोस्टर में मैं ये बनाऊंगी। आपको पहले तवे पे बनाने के तरीके मैंने सिखा दिए हैं। अब एक सैंडविच उठाएंगे हम और उसे टोस्टर में रख देंगे। ऑयल वाली साइड को नीचे नीचे वाली साइड पर रखेंगे। और ब्रश की मदद से इसकी दूसरी साइड पे भी हम ऑयलिंग कर लेंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे अच्छी अच्छी तरह दुबा के। ये बंद हो गया अच्छे से। अब हम इसे प्री हीट कर लेंगे। देखिए ये स्टार्ट हो गया। जब इसकी एक लाइट रह जाएगी तो मतलब ये रेडी हो जाएगा और फिर हम इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए एक लाइट इसकी जल गई है, मतलब हमारा ये सैंडविच मेकर तैयार हो गया है। स्विच मैंने इसका बंद कर दिया, अब हम इसे ओपन करेंगे। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। अब ये देखें सैंडविच हमारे रेडी हैं, इसे हम निकाल लेंगे। चीज़ी सैंडविच हमारे रेडी हैं, अब हम इसे कट कर देंगे दरमियान में से। किसी भी शार्प नाइफ की मदद से आप इसे कट कर लें। और इसे अलग से डिश में रख देंगे। इसे भी हम दरमियान में से कट कर लेंगे। और इसी तरह सारे सैंडविच बना के हम कट करके किसी भी टी के साथ आप सर्व कर सकते हो गेस्ट के आगे।